गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ उपनयन और ये मतलब बिहारी उपनयन का पहला दिन इसको कहते हैं उद्योग। और इसमें 5 मिनट के लिए मतलब एक भगवान के पास पूजा किया जाता है और पूजा के साथ साथ उसमें कॉपी में कुछ लिख के मतलब भगवान के पास चढ़ाया जाता है पन्ने पे लिख के। लेकिन उस काम को करने से पहले मतलब सुबह सुबह सबको घर पे जाके इनविटेशन देना पड़ता है कि हमारे यहाँ आप आइए। सो हम अभी वही इनविटेशन देने के लिए निकले हैं, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला घर, लेकिन यहाँ हमें कोई मिला नहीं और अब जा रहे हैं अपने दूसरे घर की तरफ जहाँ इनविटेशन देना है। तो फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Thank you.
तो गाइस ये है थिएटर जो कि 2000 से लेके 2007 तक मतलब चला था। उसके बाद यहाँ मूवी की उतनी चीज़ नहीं थी, मतलब मूवी देखने का उतना पैशन नहीं था लोगों के अंदर, दैट्स वाई ये अब इस तरह का हो चुका है। और ये मतलब यहाँ का आप कह सकते हैं पहला और मतलब सबसे पुराना थिएटर कह सकते हैं इसको आप, कि थिएटर था सबसे पुराना थिएटर। सो 2000 से लेके 2007 तक ये चला था और इसका नाम तो नहीं पता मुझे, बट ये 7 साल ही चला और इसमें काफ़ी मैथिली मूवीज़ वगैरह दिखाई जाती थी और मतलब काफ़ी फैमिली वाला थिएटर था, लोग आते थे। अभी हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इस थिएटर में मूवी को एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने अपना बचपन भी इसी गाँव में गुजारा, तो आइए जानते हैं कि उनके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो आपका एक्सपीरियंस इस थिएटर में, आपने कौन सी मूवी देखी? मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली मूवी इसी थिएटर में देखी थी और उसका नाम था सस्ता जिंदगी मांग सिनूर, जो एक मैथिली फिल्म थी और मैंने इसमें 2 बार देखी थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस टाइम में, ये एकमात्र सिनेमा हॉल था इस पूरे एरिया में और यहाँ पे काफ़ी मारधार एक्शन वाली फिल्में भी लगती थी, हॉरर फिल्में भी लगती थी। और थोड़ी टिकट प्राइस क्या थी? टिकट प्राइस जब मैंने देखी थी तब इसकी 6 रुपये की प्राइस थी और 6, 8 और 10 की। अच्छा, तो यानी कि 10 रुपये का टिकट जो सबसे आगे, 10 का था जो बॉक्स था एक उसका, और बालकनी का सस्ता था। टाइमिंग क्या रहती थी? टाइमिंग 400 होते थे डेली, 12, 3, 6 और 9। ओके, तो मैंने 200 देखा था, 1 12 बजे का, 1 3 बजे का। तो आपने सिर्फ एक मूवी देखी है? मैंने सिर्फ एक मूवी देखी। तो उस समय ये हाउसफुल भी रहता था? बहुत हाउसफुल रहता था, बहुत। ओके, तो ठीक है गाइस, जैसा कि आपने देखा मैंने सोचा कि आपको ये थिएटर भी दिखाया जाए। गाइस अब हम फाइनली आ चुके हैं अपने स्टेशन पे, मतलब कि जो हमारे घर का स्टेशन है पास में, वहाँ घूमने। और आज ही मतलब यहाँ ब्लॉग भी एंड करेंगे हम, क्योंकि बस अब आज का दिन पूरा हो चुका है। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा पहला दिन, अब हम कल दिखाएंगे आपको अगला दिन जो कि है बिहारी स्टाइल उपनयन का। सो हमारे साथ बने रहें और इसी तरह नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और डेली ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। सो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए तरीके से और एक नई दिन के साथ।